तो भैया बात ऐसा है कि कहानी तो है 98-99 की, मतलब आज से 22-23 साल पहले के वक्त की, जब वहाँ के सीएम भीमा भारती, जो कि एक बहुत ही नेक इंसान दिखते हैं, वो अच्छे से राज्य चलाते हैं, और जब वो गांव में जाते हैं तो दिखाई देता है कि उनकी बीवी रानी भारती एक देहाती औरत है, 3 बच्चों के साथ में बिल्कुल सीधा साधा ज़िंदगी गुजर बसर करती है। और जब उनके हस्बैंड जाते हैं तो उनके साथ सीएम नहीं, बिल्कुल हस्बैंड जैसा ही बर्ताव करते हैं। बहुत दिनों बाद अगर घर गए तो हस्बैंड के साथ में नॉर्मली टिपिकल बीविया जैसे करते हैं वैसे ही, और सीएम मानते भी है अपनी मिसेस को। हालांकि उनका पहला प्यार पॉलिटिक्स है, लेकिन बीवी को भी पसंद करते हैं। ऐसे में अचानक जब छठ पूजा के टाइम पे वो बीवी के पास जाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो जाता है, गोली चल जाती है उनके ऊपर और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। परफेक्ट बीवी होने के नाते रानी भारती पटना में हॉस्पिटल में आके उनके हस्बैंड का सेवा करते हैं, और जब वो बैग पैक करके गांव रिटर्न जाना चाहते हैं तो उनकी लाइफ 180 डिग्री टर्न ले लेती है। उनका हस्बैंड भीमा भारती उनको बिहार का सीएम बना देते हैं। एक्सीडेंटली बनी सीएम, जिनको सब टेक्निकल सीएम कहते हैं, मतलब कागजी मुख्यमंत्री, कुछ काम की नहीं, वो सीधा साधा होने के कारण पॉलिटिक्स कुछ अच्छे से समझ नहीं पाती है और बिहार की सेवा में जुड़ जाते हैं। एक के बाद एक घोटाला उजागर करते हैं और इसमें उनका साथ देते हैं ब्यूरोक्रेट परवेज आलम। अब इस बीच बहुत बड़े बड़े घोटाला उनके सामने आता है। अब ये क्या है, कैसे है, ऑपोजिशन वालों ने किया है कि उनके खुद के पार्टी ने किया है, चारों तरफ से विरोध देखने के बाद में रानी भारती सीएम रह पाती है कि नहीं, उनका सरकार ही टिक पाता है कि नहीं, नेताओं के भेस में और कौन कौन बदमाश छुपे हैं, ये जानने के लिए आपको सोनी लिव की वेब सीरीज महारानी देखनी होगी। वही लगभग 1.5 घंटा वाले 10 एपिसोड्स है इसमें। रानी भारती के किरदार में है हुमा कुरैशी और भीमा भारती के किरदार में है सोहम शाह। ये किरदार आपको नया लगेगा और उन्होंने बहुत बारीकी से ये किरदार को निभाया है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर नवीन कुमार के रूप में है अमित सियाल। बहुत सोफिस्टिकेटेड एक नेता के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। भीमा भारती के दाएं हाथ के किरदार में मिश्रा जी के रूप में है प्रमोद पाठक। ये वही प्रमोद पाठक है जो मिर्जापुर में मुन्ना भैया पर बारिश वाला डांस में चढ़ गए थे। प्रमोद पाठक का किरदार से आप बहुत इंप्रेस्ड हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट परवेज आलम के किरदार में है इनामुल हक। वही इनामुल हक जिसको आपने एयरलिफ्ट में वो इराकी ऑफिसर के रूप में देखे थे जो अरेबिक टोन में हिंदी बोलते थे, अब इसमें आप बंगाली टोन में हिंदी बोलते देखेंगे। बाकी किरदारों ने भी अच्छे से एक्टिंग किए हैं। ऐसी पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज देखनी जरूर चाहिए। ऐसे सीरीज देखने से आपको पता चलता है कि सफेद कुर्ताओं के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं जो पूरी तरह से सफेद नहीं होते हैं, पर जब वो पब्लिक के सामने आते हैं तो मुस्कुराते हुए चेहरा लेके बहुत साफ सुथरा दिखाने का कोशिश करते हैं। कास्ट सिस्टम समाज के लिए कितना हानिकारक है यह भी इसमें दर्शाया गया है। इस सीरीज को देखते वक्त आपको लग सकता है कि ये कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन हर एपिसोड के शुरुआत में डिस्क्लेमर देके बताया गया है कि ये फिक्शन है। अब ये फिक्शन है या कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, ये पूरा सीरीज देखने के बाद आप अपना सूझबूझ से डिसीजन लीजिएगा। कौन सही कौन गलत ये आपको सीरीज के एंड में पता जरूर चलेगा। इसको लिखे है सुभाष कपूर ने और डायरेक्ट किया है करण शर्मा। अब तक इसका IMDb रेटिंग है 7.5, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। मेरी तरफ से इस सीरीज को जाता है 4 out of 5। तो दोस्तों देर मत कीजिए, बैठ जाइए सोनी लिव के साथ में महारानी वेब सीरीज के साथ और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।